What's up guys, Krish here. तो गाइस मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो Google Pixel 4a का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं एंड आप लोग सोच रहे हो कि ये कब इंडिया में लॉन्च होगा एंड कितने प्राइस में लॉन्च होगा एंड आप लोग इसको खरीद लोगे। लेकिन गाइस आज इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि क्या आप लोगों को Google Pixel 4a का इंतज़ार करना चाहिए इंडिया लॉन्च के लिए या फिर आप लोगों को नहीं करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखना तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द इनहैंड फील ऑफ Google Pixel 4a। सो इसमें आप लोगों को पीछे की तरफ यूनिबॉडी प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है एंड इसका जो फ्रेम भी है वह आप लोगों को प्लास्टिक का देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ऐसे इनहैंड फील बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो देखने को नहीं मिलेगा और इसका जो बैक है वो मैट फिनिश के साथ आता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ नहीं आता है। एंड इसका जो वेट है वो 143 ग्राम्स का है। तो ये मेरे को अच्छा लगा कि ये बहुत ज़्यादा आप लोग को हल्का फ़ोन देखने को मिलता है। तो इनहैंड फील आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो इस फ़ोन में नहीं होने वाला है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सेकंड थिंग जो कि है इसका डिस्प्ले, इसमें आप लोगों को 6.81 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस ओलेड पैनल देखने को मिलता है। लेकिन इस पैनल में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। इस फोन में आप लोगों को बैक की साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है एंड ये जो डिस्प्ले है ये नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले, कोई भी हायर रिफ्रेश रेट इसमें आप लोगों को नहीं मिलता। एंड ये आता है पंच होल पैनल के साथ, तो आप लोगों को जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो अच्छा मिलता है एंड इसमें आप लोगों को HDR का सर्टिफिकेशन भी है। तो आप लोगों को जो डिस्प्ले ओवरऑल देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इसमें आप लोगों को जो परफॉर्मेंस भी है वो भी आप लोगों को ठीक ठाक सा देखने को मिल जाएगा, कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। लाइक 730G आप लोगों को ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा एंड मैं मानता हूँ कि जो लोग पिक्सल के फ़ोन्स लेते हैं वो लोग हार्डवेयर को देख के फ़ोन्स नहीं लेते, वो लोग सॉफ्टवेयर को देख के फ़ोन्स लेते हैं। तो आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्लीन एंड मिनिमल देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा, तो कैमरा इस फ़ोन का एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर है। तो गाइस अगर आप लोग कैमरा सेटअप के बारे में देखोगे तो पीछे की साइड में आप लोग को सिंगल 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग कैमरा सेटअप को ठीक से देखोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इसमें और दो कैमरा फिट होने वाले थे, लेकिन बाद में गूगल ने सोचा क्यों भाई देना है और दो सेंसर, फालतू में एक सेंसर दे देते चलो पैसे बचाते हैं। तो गाइज इसमें आप लोगों को एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। मेरे को सिंगल कैमरा से उतनी भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी के जो ब्रांड्स हैं उनसे तो अच्छा ही है कि फेक दो मेगापिक्सल के ऐसे डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर दे देते हैं जो कि कोई भी काम में नहीं आते, उनसे तो अच्छा ही है। लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होता तो ज़्यादा भी अच्छा होता। एंड इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत ही अच्छा है, इसमें आप लोगों को जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसमें अगर कुछ अच्छे सेंसर्स होते जैसे कि इसका जो हार्डवेयर है 48 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल का होता तो मेरे को उसमें ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि भाई अगर हार्डवेयर ज़्यादा और अच्छा होता तो सॉफ्टवेयर और भी अच्छे से काम कर पाता। तो ये मेरे को ऐसा लगा तो मैंने आप लोगों को बताया। एंड इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, तो इसमें भी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी खासी इसमें भी आप लोगों को क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें आप लोगों को 3.5 एमएम हेडफोन जैक देखने को मिलता है जो कि आप लोगों को OnePlus Nord में नहीं मिलता। एंड OnePlus Nord में आप लोगों को मोनो स्पीकर मिलता है, इसमें आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसका जो बैटरी है वो मेरे को थोड़ा सा कम लगा, इसमें आप लोगों को 3140 एमएएच का बैटरी देखने को मिलता है विथ 18 वाट फास्ट चार्जिंग। तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत लगा, बैटरी भी कम है और फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो मेरे को इसमें थोड़ी सी दिक्कत लगी। ओके, अभी हम लोग मेन क्वेश्चन में आते हैं कि क्या हम लोगों को Google Pixel 4a का इंतज़ार करना चाहिए इंडिया में या फिर नहीं। तो देखो मेरे ख्याल से आप लोगों को इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो Pixel 4a है वो आप लोगों को इंडिया में 35,000 या फिर 35,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है उससे कम में तो नहीं आने वाला है और आ भी सकता है, अभी मेरे को नहीं लगता कि, लेकिन 30,000 से ऊपर तो आएगा ही, मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है। लेकिन देखो अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को पता है जो पिक्सल वाले फ़ोन्स लेते हैं उनको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए होता है, तो अगर आप लोगों का मेन प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो लाइक OnePlus Nord के साथ, वो भी आप लोगों को एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वो आप लोगों को थोड़े से कम प्राइस में भी मिलता है, इन हैंड फील भी आप लोगों को अच्छा मिलता है, तो आप लोग OnePlus Nord के साथ जा सकते हो, वो मेरे को एक बेटर चॉइस लगा। उसमें आप लोगों को 5G भी मिलता है एंड वो Snapdragon 765G के साथ आता है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस में मिल जाएगा। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को Pixel 4a का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को बजा देना एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।
और अगर मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे को कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, सारे के लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके गाइस, दैट्स फॉर इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।